वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमने एसी चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया और न्यूमेरिकल्स वाइज हम लोगों ने ईएमआई और एसी के न्यूमेरिकल को टच नहीं किया। मैंने पर्पजली ईएमआई एसी के न्यूमेरिकल को टच नहीं किया था, उसका रीजन ये था कि ईएमआई और एसी दोनों बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक्स हैं। एक बार आप एसी की थ्योरी भी जान लेंगे तो ईएमआई के न्यूमेरिकल्स को आप आसानी से समझ लेंगे। आइए अब हम बात करते हैं ईएमआई के क्वेश्चंस पे। इस पूरी ईएमआई के चैप्टर को आप देखिएगा, चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ, इससे ऊपर कोई लॉजिक नहीं है। यहां देखिए सोलेनॉइड है, एरिया दिया हुआ है और स्मॉल लूप अंदर रखा है एक सोलेनॉइड के। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड मुझे मालूम है म्यू नॉट एन आई, अंदर का एरिया मुझे मालूम है, तो मुझे फ्लक्स मिल जाएगा उस लूप का। और वो कहता है 0.1 सेकेंड में मैंने 2 एम्पेयर से 4 एम्पेयर के बीच में मैंने करंट को चेंज किया। इसका मतलब करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ। अब हमें फ्लक्स चेंज है और रेट हमारे को बता रखा है कि 0.1 सेकंड में इतना काम हुआ है, फटाफट निकाल सकते हैं हम। देखिए हमारे पास फाई क्या है, म्यू नॉट एन डेल्टा आई इन टू ए, डेल्टा आई इसमें 4-2 बन जाएगा। एन मेरे पास कितना होता था याद है आपको, टर्न्स पर सेंटीमीटर पर मीटर, छोटा एन, तो 15 टर्न एक सेंटीमीटर में, पर मीटर में मैंने निकाल दिया। एरिया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में, मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और इनकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर ली फाई की वैल्यू। इट कम्स अब 24π × 10⁻¹⁸, अब टाइम से डिवाइड कर दिया, ये ईएमएफ जेनरेटेड आ गया। कैलकुलेशन इसमें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है परंतु लॉजिक वही है, आपने चेंज इन फ्लक्स निकालना है। कम ऑन, लेट्स से सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए एक मेटालिक रॉड है चल रही है, द अदर एंड इज कॉन्टेक्ट विद सर्कुलर मेटालिक रिंग, कॉन्स्टेंट फील्ड पैरल बिटवीन द एग्जाम्पल, कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। अब जरा इस क्वेश्चन को बदलिएगा, सेंटर एंड रिंग में क्या फर्क होता है। देखिए सेंटर वाले पॉइंट की वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में जीरो होती है, एक्सट्रीम एंड वाले की मैक्सिमम होती है। तो जो लूप चल रहा है उसके सेंटर पर जो तार का हिस्सा है उसकी वेलोसिटी जीरो है, एक्सट्रीम एंड पर एल है। एनसीईआरटी में इसका एक सॉल्व क्वेश्चन भी, उसे जरूर देख लीजिएगा। इसलिए हमारे पास ईएमएफ जो आना है मोशनल ईएमएफ बीवीएल आता है। अब इसमें हमने क्या करना है, एल तो एल है, वी की वैल्यू ओमेगा एल बाई टू कर दिया, क्योंकि एक्सट्रीम एंड का ओमेगा एल होगा और शुरुआत वाला जीरो होगा, तो एवरेज क्या लिया, ओमेगा एल प्लस जीरो बाई टू। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जब डिस्क रिंग का होगा जिसमें सेंटर से मतलब बॉडी सेंटर पर धुरा रखा है, वही इसके अबाउट एक्सिस घूमती है, तो उसकी वैल्यू यही होती है। ये एनसीईआरटी में सॉल्व भी है, डिटेल में दो तरीकों में। आइए इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, वैल्यू कम्स आउट 100 वोल्ट। ये मैंने क्वेश्चन इसके लिए ताकि आप डिस्क का डिफरेंस समझ सके। आइए अगला देखिए, एक और सर्कुलर कॉयल है, रेडियस दिया हुआ है, पढ़ लीजिए इसको। ओमेगा दिया है, टर्न्स दिए हुए हैं, फील्ड दिया हुआ है, और अब असली क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ। अब ये एवरेज ईएमएफ आप तभी समझ पाएंगे अगर आपने एसी कर रखा होगा। आपको पता है इसमें एक, जब आपने ट्रांसफॉर्मर, आई प्रिज्यूम आपने ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर का मेरा वीडियो देख लिया होगा, तो जनरेटर के अंदर एक कॉयल रोटेट किया करती है मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा से, हमारी बिजली वहीं से जनरेट होती है, तो उसका एवरेज फॉर फुल साइकिल इज ऑलवेज जीरो। हमें बिना सोचे समझे, हाफ साइकिल का हम निकालते हैं एवरेज, आपको याद होगा, फुल साइकिल का हमेशा जीरो होता है, हाफ साइकिल का 2I0 / π या 2E0 / π होता है। आइए इसी को निकालते हैं, फॉर्मूले से सीधा समझते हैं। ये देखिए फाई मेरे पास क्या, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा और थीटा इज ओमेगा टी, डिफरेंशिएट कर दिया, -nBA ओमेगा sin ओमेगा टी। अब आप मुझसे इसका मैक्सिमम पूछोगे तो ये वैल्यू है nBA ओमेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि साइन ओमेगा टी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो उस समय इसको 1 कर दिया और ये, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी nBA ओमेगा, वैल्यू निकाल दी 0.603 वोल्ट। मैंने कुछ नहीं किया, वही वैल्यू n आपको पता था, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, b मैग्नेटिक फील्ड, a एरिया, ओमेगा आपके पास दिया हुआ रेडियन पर सेकंड में, 50 रेडियन पर सेकंड में, उसको प्रॉपर यूज कर लिया। लेकिन अब इसमें क्या पूछे, देखो ध्यान देना, एवरेज, तो एवरेज का आंसर बेटा 0 आएगा। ये आप एसी करने के बाद आपको और क्लियर हो गया, मैंने आपसे अभी अभी कहा एसी और ये रिलेटेड टॉपिक इसके लिए होते हैं। अब
अब वो कहता है इसी कॉइल को आपने एक क्लोज लूप जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है उसके अक्रॉस रख दिया, तो मैक्सिमम करंट बताइए। तो मैक्सिमम करंट आपको पता है मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ये भी एसी में आपको क्लियर हो गया। जब मैं वोल्टेज आरएमएस लूंगा करंट आरएमएस आएगा, जब वोल्टेज पीक लूंगा करंट पीक आएगा, एंड सो मैंने निकाल दिया करंट आपके पास आ गया, आई मैक्स आ गया, ई मैक्स आ गया। अब पावर लॉस अगला देखिए क्या है, पावर लॉस। अब पावर लॉस क्या था आपको याद है, आई स्क्वायर आर, वो आरएमएस में लेना पड़ता था, याद है ना। मतलब इसके लिए मैंने आपसे कहा कि एसी का चैप्टर पहले जरूरी था, इसलिए पावर का सीधा फॉर्मूला हाफ ई मैक्स आई मैक्स वैल्यू पुट कर दी। ये फॉर्मूले आप ईएमआई के नहीं है एसी के, लेकिन चैप्टर वाइज ए में एसी एक ही चैप्टर माना जाता है एज पर यूनिट वाइज इन सीबीएसई। आइए आगे समझिए नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक सॉरी। ये क्वेश्चन है, लॉन्ग वायर है 10 मीटर लॉन्ग है, वेलोसिटी दे रखी है और राइट एंगल से मैग्नेटिक फील्ड के, इसमें वायर है चल रही है स्पीड माने वेलोसिटी है, लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड है, और निकालना इसमें आपको ध्यान का क्या करना निकाला है मोशनल ईएमएफ। फॉर्मूला आपको क्लियर है, बीएलवी अलग से डेरिवेशन किया था वही यूज करना, ए पार्ट बीएलवी। दूसरे में डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, अब देखिए ये डायरेक्शन जो है आपकी जो फ्लेमिंग का रूल है उससे भी निकलती है और उस लॉजिक से भी निकलती है कि इट विल अपोज। बिल्कुल देसी भाषा में अगर लॉजिक से मैं बात करूं कि 10 मीटर लॉन्ग है ईस्ट टू वेस्ट, फॉल कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड, फॉल कर रहा है इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाली फोर्स ऐसी होनी चाहिए जो फॉल को रोके, इसका मतलब उसकी फोर्स अपवर्ड होनी चाहिए, इसीलिए आप वैल्यू निकालते हैं वेस्ट टू ईस्ट उसकी फोर्स होनी चाहिए हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। और हायर पोटेंशियल कहां होगा, जब वेस्ट टू ईस्ट करंट जानी शुरू हो जाएगी तो मेरे पास ईस्टर्न वेस्ट से ईस्ट चला गया तो ईस्टर्न हायर पोटेंशियल पर हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। ये ईएमआई का वो क्वेश्चन था, आइए अगला देखते हैं। करंट है 5 से 0 एम्पीयर आ रही है 0.1 सेकंड में, एवरेज ईएमएफ 200 वोल्ट है। अब सेल्फ निकालना है, अगेन फाइव इज टू एल आई फॉर्मुला मेरे पास है वही सीधा निकालना है, LdIdt डिफरेंशिएट करने के बाद, अब 200 मेरे पास ईएमएफ है, LdIdt L की वैल्यू 4 हेनरी, स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड। ये देखिए एक जेट प्लेन चल रहा है, वेलोसिटी दी है और आपको 25 मीटर विंग स्पैन्स के ऊपर आपने वो चेक करना है, फील्ड दिया हुआ है और डिप एंगल 30 है। देखिए न्यूमेरिकल्स करने का ढंग मैंने आपको पहले बता रखा है, जैसी न्यूमेरिकल आपके सामने आए कृपया पॉज करके एक बार पूरा न्यूमेरिकल माइंड में डाल लीजिए, फिर मेरा सोल्यूशन सुनिए, क्योंकि आप पहले सोल्यूशन सुनने बैठ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन आप कर लेंगे लेकिन आपको आएगा नहीं। ऑलवेज ट्राई टू डिफरेंस नो द डिफरेंस कि आपने क्वेश्चन कर लिया और आपको आ गया। अब हमारे पास क्या है, जो एयरक्राफ्ट चलता है वो हॉरिजॉन्टल चलता है, एयरक्राफ्ट क्योंकि हॉरिजॉन्टल चलता है इसके लिए वो वर्टिकल फील्ड को काटता है, रॉकेट वर्टिकल चलता है वो हॉरिजॉन्टल फील्ड को काटता है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि मोशनल ईएमएफ में कौन से फील्ड को लाइनें काट रही हैं। अब मेरे पास यहां पर बी है, डिप एंगल 30 है, तो मेरा हॉरिजॉन्टल एयरक्राफ्ट में चलना है तो मेरा कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड कट रहा है, वर्टिकल वाला माने बी साइन थीटा, इसको याद रखिए बस और कुछ नहीं करना। फिर तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ही है, बीएलवी है, पहले मैंने बी निकाल लिया बी साइन थीटा से, उसके बाद मेरे पास स्पीड किसमें दी है, यूनिट देखिए एसआई नहीं है पर मुझे एसआई में कन्वर्ट करना है, मैंने कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, सीधा मेरे पास एक ही बार में आंसर आ जाएगा। मैं बार बार समझा रहा हूं कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन हां कॉन्सेप्ट को आपने यूज करना है। सेकंड पार्ट अब देखिए, ये एक न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए, हालांकि ये बहुत ही अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है, अच्छे से मेरा मतलब होता है ये नीट जेई से भी ऊपर माने एडवांस लेवल का, जेई एडवांस या एम्स का, पर क्योंकि एनसीईआरटी का मैं हमेशा वो कर लीजिए। इसमें देखो फील्ड क्या है, वो दोनों में बदल रहा है, टाइम से भी बदल रहा है और डिस्टेंस से भी बदल रहा है। नॉर्मली हमारे पास या टाइम बदलता है डिस्टेंस बदलता है, इसलिए हमारे पास मैथमेटिकली ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसलिए जेई एडवांस का है। देखिए हमारे पास जो बी है वो एक्स और टी पर डिपेंड करता है, देखो x और t पर, तो मुझे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x भी करना है फिर विद रिस्पेक्ट टू t भी करना है, दो बार करना है। तो मैंने क्या किया d5/dt इसको डिफरेंशिएट करना। आप देखो अगले स्टेप में, जो लोग मैथ्स वाले हैं वो जानते हैं प्रोडक्ट रूल नाम की चीज को, वो मैंने करना, देखिए ध्यान से
डी बी बाई डी टी, और डी बी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, यही वेलोसिटी है। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी हो गई, सारी वैल्यू पुट करके ई एम एफ की वैल्यू निकाल दी, विच इज कम्स आउट टू बी, करंट निकालना था डिवाइड बाई 4.5 मिली ओम कर दिया। ध्यान देना इसमें सिर्फ एक ही कलाकार इस क्वेश्चन में, कोई कलाकार नहीं एक्सेप्टिंग वन कि आपके पास बी एक्स टी को डिफरेंशिएट कर रहा है। इसीलिए कह रहा हूं ये नीट से ऊपर, जेई से ऊपर के लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल तक का, पर क्योंकि एनसीईआरटी का हमने करना। अब एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन है, देखिए इसमें म्यूचुअल इंडक्शन देनी है इंडक्टर से। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का लॉजिक आपको याद होगा, फाई इज इक्वल टू एम आई, मतलब बेसिकली सेल्फ का फाई इज इक्वल टू एल आई और इसमें एम आई, इतना ही फर्क है ना। तो आई ये जो करंट जा रही बेटा, इधर देखो ये करंट है, इसकी वजह से फ्लक्स चल रहा है, इसकी वजह से यहां पर फील्ड बनेगा, फील्ड की वजह से इसमें फ्लक्स पैदा होगा। अब आप इसको चला रहे हो तो फ्लक्स बदलेगा, हमने ऐसे क्वेश्चन अपने थ्योरेटिकल वीडियो में करे हुए हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी वगैरह वगैरह, लेकिन इसमें हमारे को इंडक्टेंस निकालनी है। तो बेसिकली मेरा प्रिंसिपल क्या है कि मुझे इसके अंदर फ्लक्स निकालना है, तो उसके बाद इसको एम आई कर दूंगा। देखो इसका क्योंकि आई बी कॉन्स्टेंट नहीं है, इस पूरे रीजन में बी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिप बना दी ऐसी, लेट्स से डी वाई थिकनेस की है, इसका डिस्टेंस यहां से वाई कर दिया, ये डी वाई हो गया, तो इतनी चौड़ी स्ट्रिप का एरिया क्या हो गया, ए इंटू डी वाई इतना। अब यहां का फील्ड निकाल लो, म्यू नॉट बाय 4π2i/y, उससे आप इसको ए डी एक्स निकाल दो, तो इस छोटे से नन्हे से लूप से गुजरने वाला फ्लक्स आपका निकल गया। एक बार फ्लक्स निकल गया फिर तो काम आसान है, इसको एम आई से इक्वेट कर देंगे, लेकिन ये डिफरेंशियल निकला ना हल्का सा, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे को फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अगेन दिस इज हाईली मैथमेटिकल, इसीलिए ये नीट लेवल से ऊपर का है। ये मैंने इस पॉइंट पर फील्ड निकाल दिया, अभी इस पॉइंट पर एरिया के लिए मैंने क्या किया, ए डीवाई से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए ए ये लेंथ है, डीवाई है, अब ये डीवाई बन गया, और मुझे फाई क्या निकालना है, जीरो से फाई। अब देखो डी वाई करता हूं बेटा, मैथ्स वाले बच्चे समझ सकते हैं कि मुझे कहां से कहां जाना है, ये एक्स है ये ए है, तो लास्ट लिमिट क्या है, एक्स प्लस ए यहां से यहां, और मिनिमम क्या ये वाली एक्स, तो मैंने एक्स प्लस ए फाइनल लिमिट ली। यहां पर मेरे को बेटा एक्स लिखना है, इट इज एक्स हियर, गलती से ए लिख दिया, इट इज एक्स हियर, क्योंकि फाइनल आंसर उसी में निकला हुआ। देखो तो मैंने क्या कर दिया, फाई को निकाल दिया, ये एक्स लिया ना यहां पर, यहां पर ए लिखा गया इस पॉइंट पर, देखो ये पर ये एक्स ही होना चाहिए। अब फाइव इज इक्वल टू एम आई, उससे एम निकाल दीजिए, आई कैंसिल कर दिए, एम आ गया, राइट थोड़ा समझ के कीजिए। अगला जो पार्ट है बेटा इसका बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं है, आपने सिंपल इसको बी एल वी निकालना है, ई एम एफ निकालना है। देखो फाइव क्या होगा, ये बी पार्ट है, बी डैश ए वी, बी डैश उस पॉइंट का निकालूंगा क्योंकि हर पॉइंट बदल रहा है, क्योंकि इस इंस्टेंट की बात कर रहा है ना बेटा, तो जब एक्स पॉइंट टू है तब की बात ये कर रहा है, तो मैंने कर दिया, यहां का बी ले लिया, ए वी कर दिया और वैल्यू पुट कर दी वैल्यू। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ई एम आई ए सी न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एनसीईआरटी, तो प्लीज हैव अ लुक एट दैट, और ये देखिए कि आपको इस चैप्टर में है कम न्यूमेरिकल्स, लेकिन लास्ट के मैंने दो करवा आपको जरूर दिए हैं, लेकिन ये नीट से अबव लेवल के, जेई से अबव लेवल के, फिर भी अगर आप समझ गए हैं बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।